हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो? सभी एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की चालू रखनी है। आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ में सीए फाइनल एएफएम है, ठीक है, आपने किस ऑर्डर में पूरा रिवीजन वगैरह करना चाहिए अभी, जिससे आपका एग्जामिनेशन जो है अच्छी से बन जाए अभी नवंबर 24 एग्जाम्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वीडियो, तो बने रहना वीडियो में और पूरा आखिरी तक देखना। इसमें मैं आपके साथ में जो बहुत सा मतलब ये चीज भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस अगर ये सब चीज भी, ठीक है। सुपर सिटी क्वेश्चन का पीडीएफ तो ऑलरेडी मैंने रिलीज कर दिया, बट अभी मैं आपको और बताऊंगा कि कौन से पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है भी रिवीजन करते वक्त, ठीक है, आपको जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस जो है इसको आप निपटाना। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस, ये तीन चैप्टर्स जो है 20 मार्क्स के अराउंड एग्जाम में टेस्ट होते हैं। ये तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है एग्जाम में पूरा मिला के 25 मार्क्स के आसपास ज्यादा है, बल्कि इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो इनको आपने सबसे पहले निपटा देना। देखो, कैसा मैंने देखा है बहुत बार कि स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं कि जो चैप्टर्स उनको टफ लगते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, और फिर क्या होता है, जो चैप्टर्स उनको आसान लगते थे, ठीक है, उसकी बराबर से रिवीजन नहीं हो पाती, और उस वजह से एग्जाम में क्या होता है, वो क्वेश्चंस बनने चाहिए थे वो नहीं बनते, वैसा हो जाता है। तो वो चीज आप नहीं करना है। मैंने बहुत बार कहा कि आप लोग क्या करो, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स वगैरह पे बहुत ज्यादा टाइम देते हो, ठीक है, तो वो चीज नहीं करना है। अभी का जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है, आखिरी के जो 10-15 दिन है, वहां पर भी क्या करना होता है कि जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं ना, उसको और अपने स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और बस जो चैप्टर आपको थोड़े बहुत कम आते हैं सर, वहां पर आप क्या करोगे, उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह उनको आपने देख के चले जाना, ठीक है। आप अभी ये नहीं सोच सकते कि यार मेरा फॉरेक्स मेरे को आता ही नहीं है, अब मैं फॉरेक्स की जो पूरी पढ़ाई कर लेता हूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या डेरिवेटिव्स मेरे को आता ही नहीं, पूरा मैं डेरिवेटिव्स अभी समझ लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। जो चैप्टर्स अभी आपको आते हैं उनको क्या करो, अपना और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि यार इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको मैं भाई लूंगा वैसा। तो अभी आप क्या करना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस, इन तीन चैप्टर्स को आपने पहले निपटा देना, और एग्जाम में कोई मिनिमम 25 मार्क्स दे ही जाएंगे, और ये चैप्टर्स आसान होते हैं। आसान क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, उसी टाइप क्वेश्चंस जो आपको देखा इस बार के नवंबर 24 के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से क्या है कि अगर मेरे सुपर 60 क्वेश्चंस वाला जो पीडीएफ है ना, उसमें से अगर इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस मैंने दिए उनको भी अगर आप चीजें कर लेते हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत हाई चांसेस है उन क्वेश्चंस के आने एग्जाम में वैसा। तो आपने उनको भी अगर देख लिया, तो आपकी अच्छी से वैसे रिवीजन हो जाएगी। वहां पर मैंने ऑलमोस्ट जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके एक एक क्वेश्चन वहां पर दे रखे, तो आपकी रिवीजन वहां पर अच्छी से हो जाएगी। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, आप इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन वाला पढ़ा था, उसको पूरा अच्छे से करूँ। बिजनेस वैल्यूएशन में फ्री कैश फ्लो परफॉर्म वगैरह जो आप आता है, फ्री कैश फ्लो, इक्विटी वगैरह पूरा अच्छे से करके जाना। और सिक्योरिटी एनालिसिस में प्रैक्टिकल पार्ट भी और थियरी पार्ट भी है। थियरी पार्ट में तो जो भी उसके क्वेश्चन बन सकते हो आपने कर लेना है, बट प्रैक्टिकल पार्ट निगलेक्ट मत करना। पिछली बार जो है उन्होंने कहा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा था 8 मार्क के, इस बार मुझे ऐसा लगा कि रन टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, और मैंने सुपर 60 क्वेश्चन की पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट भी किया है, ठीक है। रन टेस्ट को तो एकदम अच्छे से करके जान, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। और एक देखो, एक और क्वेश्चन होता है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का, वो पहले एग्जाम में पूछा तो जा चुका है, उसको भी करके चले जाना। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस में, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको देखते तो चले जाना, बट ज्यादा चांसेस मुझे लग रही है कि रन ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और अगर आएगा ना तो वही 6 से 8 मार्क वगैरह पूछेगा, उसको एकदम अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज को निपटाओगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और बिजनेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस। इसके बाद देखना क्या करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जो इसको पढ़ना, आसान चैप्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत सारे फॉर्मुले है, तो आपके फॉर्मुले वगैरह की रिवीजन एक बढ़िया से हो जानी चाहिए। ऑलरेडी मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो फॉर्मुलेज वगैरह, ठीक है, वो मैंने एडसन इंडिया का जो वेबसाइट है ना, उसके फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आपको जो इसके फॉर्मुलेज दिख जाएंगे, तो वहां से आपको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा मैराथन वीडियो वगैरह तो है ऑलरेडी अपलोडेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, बट अगर आपको सिर्फ नोट्स देखना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज वगैरह हो सब, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में तो क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, पूरे मिला के ही कितने 12 क्वेश्चंस के आसपास है। अगर आप पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करके चले गए, तो पक्की बात है उसी में से क्या होगा, आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना तो पक्का है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी एक क्वेश्चन आएगा और म्यूचुअल फंड का भी एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको करके जाना, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि आसान चैप्टर्स है तो इसको नहीं देख के गए तो चल जाएगा, वैसा नहीं। एग्जाम के पहले देखो कभी भी क्या होता है, आपके चैप्टर्स देख के हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखे जाओगे ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह, तो फिर क्या होता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता एग्जाम में, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा कुछ रह गया क्या, कुछ छूट गया क्या वैसा। तो इससे अच्छा क्या है, जो चैप्टर अच्छी से आते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, इनका क्वेश्चन आया तो बनना ही चाहिए, वैसा होना चाहिए, ओके। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड निपटा देना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार म्यूचुअल फंड का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके ऊपर बेस्ड एक पूरी केस स्टडी आएगी, तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। एक 8 मार्क की केस स्टडी बन सकती है म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड पूरा अच्छे से करके, जो मेरे सुपर 60 क्वेश्चंस पीडीएफ में म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस है, उसमें मैंने जो केस स्टडी बन सकती है क्वेश्चंस के ऊपर, वो सब क्वेश्चंस दे रखे, तो उसको जरूर जरूर से देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, एडवांस कैपिटल बजटिंग और मर्जर एंड एक्विजिशन करना, ये भी आसान चैप्टर है। मर्जर एंड एक्विजिशन तो जनरली स्टूडेंट्स को आसान लगता ही है, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन में भी क्या है, सेम चीज है म्यूचुअल फंड जैसी, गिने चुने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आसपास 10-12 क्वेश्चन, अगर वो पूरे कर ले तो उसमें से पक्की बात है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वैसे मर्जर एंड एक्विजिशन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया सुपर 60 क्वेश्चंस के डिस्कशन का, जिसमें मैंने 2.5 घंटे में पूरे क्वेश्चंस वहां रिवाइज किए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह के साथ में वैसा। और अगर आपको डिटेल रिवीजन करना है तो 4 घंटे का वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये वाला वीडियो आप देख सकते हो वगैरह वैसा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज जो है छोड़ दूंगा, वहां पर जो भी सब इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली उन लिंक के ऊपर क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हो वैसा, ठीक है। एडवांस कैपिटल बजटिंग जो ये नया चैप्टर आया था 2024 में,
और वहां पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा भी था इसका आठवां का ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड का, मैंने बोला भी था तब ठीक है मे 24 केस में कि ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड का क्वेश्चन आ सकता है और वो आया भी था आठवां के लिए। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो आएगा एडवांस कैपिटल बजटिंग वो पक्की बात आएगा तो सही, अब वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में पूछेंगे ठीक है एडवांस कैपिटल बजटिंग। अब देखो वहां पर क्या होगा, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ठीक है जो मैं सुपर 60 क्वेश्चन में डिस्कस भी किया उसको आपने करके जाना, या फिर सीनियर एनालिसिस वगैरह के भी क्वेश्चन है उनको आपने जरूर से देख के जाना है क्योंकि इस बार ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आने की चांस थोड़ी कम है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सीनियर एनालिसिस सेंसिटिव एनालिसिस जो होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे ठीक है, तो उनको जरूर से आपने देख के जाना है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, अगर आप इतना पूरा कर लिया आपका अराउंड 60 मार्क का पेपर हो चुका है ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड एडवांस कैपिटल बजटिंग और मर्जर एंड एक्विजिशन 60 मार्क के ऊपर हो जाएगा बल्कि ठीक है। अब इसके बाद देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स जो है उसको बात करना अभी भी, अभी क्या करना पहले थियरी चैप्टर्स आ जाना। अब थियरी चैप्टर्स में देखो आपको क्या करना है, थियरी चैप्टर्स का वेटेज पूरा मिला है तो 20 मार्क्स का। अब आपने क्या करना है इनमें सबसे पहले तो आप क्या करो सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस कर लेना। सिक्योरिटाइजेशन है कितना 12-15 पेज का चैप्टर और एक क्वेश्चन आना ही है पक्की बात है ठीक है, उसको जरूर जरूर से कर लेना और उसमें जो नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए टोकनाइजेशन वगैरह के उनको जरूर से देख जाना। वैसे उन्होंने पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था टोकनाइजेशन के ऊपर भी, बट पूछा रहा तो फिर से भी पूछ सकते हैं ठीक है। और पूरा की पूरा सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ाया और वो वाला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, बट वो 3-3.5 घंटे का वीडियो, अगर आप इतना टाइम डिवोट कर सकते हो ठीक है वरना स्पीड वगैरह बढ़ा के देखना ठीक है, बट वहां पर मैंने एक एक चीज जो है पूरी की पूरी पढ़ाई है ठीक है, तो अगर आप वो देख लोगे तो क्या होगा पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे ओके। स्टार्टअप फाइनेंस भी छोटा चैप्टर है उसको भी पूरा पूरा कर लेना, और स्टार्टअप फाइनेंस में जो नए पार्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं ना उसको जरूर से लिख के जाना, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टअप फाइनेंस का तो मैंने जो एक क्विक रिवीजन कराया भी था पिछली बार वही वाला आप अगर वीडियो देख लो तो काम हो जाएगा ठीक है, एक घंटे के आसपास मैंने करा था, एक घंटे में पूरा स्टार्टअप फाइनेंस रिवाइज करा दिया था, तो उसको आपने करना। रिस्क मैनेजमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, थियरी क्वेश्चन के बजाय प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे वैल्यू एट रिस्क के ऊपर बेस्ड, और वैल्यू एट रिस्क के ऊपर हुई है सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन, अगर आप वो पूरे अच्छे कर लेते हो तो पक्की बात है 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 6 या 8 वैसा रहेगा ठीक है। देखो पहले जो क्वेश्चन वैल्यू एट रिस्क का 8 मार्क के लिए पूछा जाता था वही क्वेश्चन देखना वो क्या करें उठा के 6 मार्क के पूछेंगे। इस बार के एमटी में भी एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने वैल्यू एट रिस्क का 8 मार्क के लिए, और इतना आसान क्वेश्चन उसकी हद नहीं है वैसा ठीक है, बट अगर आप वो रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर जमेगा नहीं, उसको जरूर से करना ही है। और इसका भी मैंने जो वैल्यू एट रिस्क का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, फिर जो भी क्वेश्चन अभी पूछे गए थे पास के पेपर्स में और जो आपके मॉडल में क्वेश्चन मैंने पूरे कराए, और साथ में उसका जो थियरी वाला पार्ट होता है वैल्यू एट रिस्क का वो मैंने कराया, वैल्यू एट रिस्क के ऊपर बेस थियरी क्वेश्चन भी बन सकता है, उसका भी मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे उसको आप देख सकते हो, बट वही है कि क्या अभी इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा की पूरा वीडियो देख पाओ, तो अगर आपको देखना है तो कोई स्पेसिफिक पार्ट उसमें से आप आके देख लो वैसा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि उसको थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ा के देखना ठीक है, तो अराउंड 2 आवर्स का वीडियो है, तो अगर देख लोगे तो वैल्यू एट रिस्क पूरा अच्छे से हो जाएगा, और अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है अच्छे से तो एटलीस्ट क्वेश्चंस को तो भी गो थ्रू कर लेना फिर से ठीक है। और आखिरी में आपका आता है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब ये जो आप चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये बहुत ज्यादा थियरी वाला है, इसको एकदम आखिरी में ही करना, पहले करोगे ना तो थोड़ा क्या होगा दिमाग खराब हो जाएगा उस टाइप की चीज, तो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आखिरी में करना क्योंकि इसमें थियरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं चांसेस थोड़ी कम होती है, बट पूछा तो 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा वैसा। देखो बाकी चैप्टर से भी थियरी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड से थियरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते या फॉरेक्स से थियरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बट क्या है इन चैप्टर से आना ही है, सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस इससे तो एक एक क्वेश्चन आना ही है थियरी का, उसको तो निग्लेक्ट मत करना। रिस्क मैनेजमेंट से तो क्या कर सकते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो वैल्यू एट रिस्क का या थियरी क्वेश्चन वैसा, और चैप्टर नंबर 1 से अगर उनको पूछना फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से पूछ सकते हो, चांसेस थोड़ी कम है। अब एक बार आपने कर लिया थियरी चैप्टर्स क्या होगा, इतना पक्का हो जाएगा कि 16-20 मार्क का आपका जो थियरी क्वेश्चन जो आपको लिखते आ जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा तो उसको भी आपको अटेम्प्ट करते आ जाएगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछना रहा तो देखो क्या करेंगे, एक तो रिस्क मैनेजमेंट का जो वैल्यू एट रिस्क वाला पार्ट है उसके ऊपर केस स्टडी पूछ सकते हैं, या फिर सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर भी केस स्टडी आ सकते, स्टार्टअप फाइनेंस में थोड़ी कम चांसेस, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते बट थोड़ी कम चांसेस। अब इतना आपका हो गया ना ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो चैप्टर्स है जो थोड़े से स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं इनको एकदम आखिरी में करना ठीक है। हाँ अगर आपके बाकी चैप्टर्स की रिवीजन बहुत बढ़िया हो रखी है तो फिर आप इनको पहले निपटा सकते हो, बट अगर आप ये चैप्टर्स की रिवीजन ही अच्छी से नहीं हुई है तो फिर पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स फॉरेक्स इन सबको मत करो, पहले इन चैप्टर्स को निपटाओ ठीक है जो मैंने अभी बताया वो, और उसके बाद जो आखिरी में आप क्या करोगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स और इंटरेस्ट मैनेजमेंट करोगे। अब यहाँ पर भी एक ना क्या करना, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करना क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स के कंपैरिजन में छोटा चैप्टर है, बट एक क्वेश्चन तो आता ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस बार वो आकर रहेगा इंटरेस्ट रेट स्वैप के ऊपर ठीक है, उसको जरूर जरूर से करके जाना ओके। सुपर 60 क्वेश्चंस के पीडीएफ में ये वो और डिस्कशन भी पूरा मैंने करा रखा है, तो उसको अगर आप देख लोगे तो अच्छे से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। बहुत कम क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन है और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी जो मैंने क्वेश्चन बोला तो एज इट इज छप गया था एग्जाम के अंदर, जो सुपर 60 क्वेश्चंस के पीडीएफ में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन था एज इट इज आया 8 मार्क के लिए वैसा, तो अभी का भी सुपर 60 क्वेश्चंस का पीडीएफ है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट उसको अच्छे से देख के जाना, 5 क्वेश्चन दे रखे, हो सकता है उसमें से आपको एक क्वेश्चन 8 मार्क का एग्जाम में दिख जाए। डेरिवेटिव्स जो इसके बात करोगे आप,
अब डेरिवेटिव्स में देखो क्या करना, बाइनोमियल मॉडल वाला जो पार्ट है ना उसको देख के जाना एक तो, ठीक है। अब रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच वगैरह पूछेंगे, नॉर्मल कुछ पूछेंगे आपका बाइनोमियल मॉडल का, ठीक है। तो जो भी फॉर्मुलेस वगैरह रहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मूव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मूव वगैरह सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नोट्स वगैरह पे पे ऑफ वगैरह कैसे निकालते हो आपको पता रहना चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है आपका बाइनोमियल मॉडल का वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डेरिवेटिव्स में जो नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ना रियल ऑप्शन का, वो देख के जाना, पक्की बात है उसमें एक क्वेश्चन आएगा। एमटी में उन्होंने अबेंडनमेंट ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना टाइमिंग ऑप्शन के ऊपर आएगा, ग्रोथ ऑप्शन के ऊपर आने की भी चांसेस थोड़ी कम है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, लेक्शोज मॉडल का फॉर्मुला यूज में आता है और जनरली ऐसे लेक्शोज मॉडल के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछती, बट दिख के तो चले जाना। ऐसा मत करना कि लेक्शोज मॉडल का फॉर्मुला याद नहीं कर रहे, वो मत करना, ठीक है। फॉर्मुला तो एटलीस्ट याद करके जाना, और एक ही क्वेश्चन तो है, ठीक है। ग्रोथ ऑप्शन का एक क्वेश्चन है, अबेंडनमेंट ऑप्शन का एक क्वेश्चन है और टाइमिंग ऑप्शन का एक क्वेश्चन है, और वो तीनों क्वेश्चन मैंने कराए, ठीक है। डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट बताया, बाद में देखिए क्वेश्चन जो मॉडल में मैंने कराए भी, तो वो देख के चले जाना, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसके बाद आप क्या करोगे, फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो बड़ा टॉपिक, ठीक है, नो डाउट, बट आएगा तो क्या, एक ही क्वेश्चन आता है जनरली, अब पूछ पूछ के भी दो क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो फॉरेक्स और आईएफएम में अगर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन करनी, तो मेरा एक मैराथन वीडियो जिसमें मैंने 9 घंटे में सिर्फ ये दो चैप्टर भी पढ़ा है, फॉरेक्स और आईएफएम, ठीक है, रिवीजन कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह कराए, कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी बताया मैंने वहां पर, ठीक है। अर्ली डिलीवरी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पर, आपका एक्सटेंशन आफ्टर डिफॉल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो सब मैंने वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया, जहां पर कोई डाउट आता है उस चीज, तो वो अगर आप दे लोगे वीडियो तो क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बट 9 घंटे का टाइम देना पड़ेगा फिर वहां पर वैसा, या फिर स्पीड बढ़ा के देखोगे तो क्या होगा, 6-7 घंटे में अभी भी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे वैसे, या जो पार्ट में आपको डिफिकल्टी जाती है वो पार्ट में जाना और वो वाला पार्ट देख लेना वैसा, ठीक है। तो वहां से आप हेल्प मिल जाएगी फॉरेक्स और आईएफएम में, बट इसको एकदम आखिरी में करना, ओके। इस तरीके से आपने करना चाहिए, अपने एएफएम के टॉपिक्स की रिवीजन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि देखो 75-80 मार्क्स के ऊपर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है, क्योंकि अगर आप टोटल करोगे तो ये आसपास क्या होगा 80 मार्क्स चले जाएगा, और इनके ऊपर आपका मेजर फोकस रहना चाहिए, और बाद में जो आप क्या करोगे इसके ऊपर ध्यान दिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स आईएफएम, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को तो जरूर जरूर से कर लेना, इसका क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, और बहुत कम क्वेश्चन है, क्या होता है जल्दी से निपट जाते हैं। डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स आईएफएम जो थोड़ा टाइम लेके जाता है वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिवीजन करना है। एग्जाम के पहले का जो आपके पास 1.5 घंटे का टाइम होता है उसमें अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और अभी भी अगर आप एफआर के पेपर के पहले, एफआर का पेपर आपका जो है उसके क्या करोगे, आप 4-5 दिन पहले एफआर पढ़ोगे, फिर कुछ स्टूडेंट्स 3 दिन पहले अपना स्टार्ट करें, उसके पहले तो अभी आप क्या कर रहे होगे, एएफएम ऑडिट वगैरह की रिवीजन कर रहे होगे, तो अभी भी आप इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपको जो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, और क्या होगा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मेरा 25-30 मार्क्स का जो है हो गया करके, फिर मेरा और 20 मार्क का हो गया करके, तो क्या होता है ऐसा लगता है हमें कि यार मेरे 60 मार्क के जो था इतना मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, क्योंकि वो वाले चैप्टर्स मेरे बढ़िया से हो गए, थियरी चैप्टर्स मैंने कर ली, 80 मार्क तक का पहुंच गए, और प्रैक्टिकल पेपर 80 मार्क्स का पेपर भी अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर दोगे तो 60+ बनता है, ठीक है। May 24 में तो कितने स्टूडेंट का बना था 60+, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का बना था, पेपर आसान था नो डाउट, बट स्टूडेंट्स के जिनके 25-30 मार्क्स आ रहे थे पहले, उन्होंने भी 75+, इन्होंने तो 80+ भी लेके आए, तो वही है कि क्या है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हो, ठीक है, तो ये सब चीज आपको देने को मिलेगी। और नवंबर 24 का पेपर ऐसा मत सोचना कि मई 24 में आसान आ गया तो बहुत ज्यादा टफ आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, पेपर बैलेंस डीप चेंगे वो लोग, ओके। तो उससे मत घबराना, अभी से स्टार्ट कर देना यार पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा, वैसा नहीं, ठीक है। पेपर आसान आ गया क्या कर लोगे फिर, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम पढ़ाई अब से करना छोड़ देते हैं, पेपर टफ आएगा ये तो पढ़ाई नहीं हुई, वो सब चीज में क्या होता है फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वो सब मत करो। अभी आपके हाथ में क्या है कि जो चीज आपको आती है उसको और बेहतर करते जाओ, ठीक है। हो सका तो एक फुल कोर्स टेस्ट देके देना, मैं एक फुल कोर्स टेस्ट भी रख रहा हूँ, ठीक है, उसका भी मैं आपको एक वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कब फुल कोर्स टेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो उसको जरूर से देख के देख लेना, पिछली बार जो फुल कोर्स टेस्ट स्टूडेंट्स दिया था, पिछली बार भी मैंने रखा था फुल कोर्स टेस्ट और ओपन टू ऑल रहती है, सभी स्टूडेंट्स उसको दे सकते वैसा, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया था वो। हो सका तो एक फुल कोर्स टेस्ट देके देख लेना, तो क्या होता है पता चल जाता है कि आप मिस्टेक्स वगैरह हुई है एग्जाम में, आप फिर वो मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे। एग्जाम के पहले जो मिस्टेक्स करा कर लो, एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स करा कोई गलत नहीं है, बट वही मिस्टेक्स को फिर से दोहराए वो गलती है, ठीक है। मिस्टेक्स अभी कर लो जितनी करना है, और देख लो कहां पर मिस्टेक्स हो रही है, तो वो मिस्टेक्स एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो आपको पूरा बताया है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ, ओके। वीडियो को लाइक कर देना आप अगर पसंद आया तो, ज्यादा से आपके फ्रेंड्स और के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी वीडियोज आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ में बताऊंगा कि टेस्ट वगैरह के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ, और सुपर 60 के क्वेश्चन का जो डिस्कशन है, ठीक है। देखो सुपर 60 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है इतने पार्ट का हो चुका है ऑलरेडी, सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव और फॉरेक्स का बाकी है, उसका भी आपको जल्दी से जल्दी पूरा वीडियो मिल जाएगा। और मैं ये ट्राई करो कि ये जो वाला पार्ट है ना आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मैं आपको पूरा रिवीजन जो है सुपर 60 क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम के पहले करा दूं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद रिवाइज करने बैठोगे एग्जाम के पहले तो बहुत ज्यादा टाइम वहां पर दोगे, वो नहीं होना चाहिए, इसका मैं सोच रहा हूँ कि इसका रिवीजन मैं आपको एग्जाम के पहले करा दूं, एग्जाम जब आपकी रहेगी उसके एक दिन पहले, और उसमें मैं क्या करूंगा जो इंपॉर्टेंट थियरी चैप्टर है जैसे कि स्टार्टअप फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन, उसका भी वहां पर आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो
एग्जाम के पहले मैं इतना पार्ट जो है ना कराने की कोशिश करूंगा, ये तो कराऊंगा ही पक्की में, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स और सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस जो है इतना मैं आपको करा दूंगा। क्या होगा आपका जो इंपॉर्टेंट थ्री चैप्टर्स है और जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स जिनमें आप ज्यादा टाइम दे दोगे वैसे खुद अगर रिवाइज करोगे तो क्या होगा आपका मेरे साथ करोगे लाइव सेशन में क्या होगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है चलो तो ये वीडियो इतना ही, अगर आप कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो आप टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन का ग्रुप है वहां पर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो या कमेंट में आप पूछ लेना। और जो भी मैंने बोला ना कि बहुत सारे वीडियोस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपडेट है वैसा, तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं क्या करूंगा एक मैसेज ड्राफ्ट करके रख दूंगा तो वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको जो वीडियो देखना है उसके ऊपर आप क्लिक करके जो है फिर वाला वीडियो वैसे देख पाओगे। ठीक है चलो आज की वीडियो में इतना ही, बढ़िया से अपनी पढ़ाई चालू रखो, पॉजिटिव माइंड रखो, एग्जाम बढ़िया जाएगी और आप लोग सीएम बन जाओगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।